चैलेंजेस किसकी लाइफ में नहीं आते, हम सब की लाइफ में आते हैं और हम सब इसका सामना भी करते हैं। लेकिन अगर आज मैं कुछ ऐसे चैलेंजेस की बात करूं जिसके लिए स्पेशल भगवान ने हम फीमेल को, विमेन को चुना है और हम सबको इसका सामना करना पड़ता है, और आई एम प्राउड कि हम सब इस फिजिकल चैलेंज से बहुत अच्छे से हंस के गुजरते हैं। जैसे कि आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे चैलेंजेस जिसके लिए स्पेशली फीमेल को काफ़ी स्ट्रगल रहता है, काफ़ी उनको पेनफुल रहता है, काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है, लेकिन हम सब ये सीख जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्यूबर्टी की, जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड स्टार्ट होता है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पेनफुल होता है, लेकिन धीरे धीरे हम सब उसके अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करना, उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेती है। फिर प्रेगनेंसी में एक ऐसा चैलेंज आता है जब बॉडी में काफ़ी हॉर्मोन चेंजेस होते हैं, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज हो जाता है, उसमें भी काफ़ी बॉडी में चेंजेस आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो एक लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर आपकी बॉडी में जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चेंज होने लगता है, जिसे हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज। अब पेरीमेनोपॉज से पहले आपको ये समझना पड़ता है मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज अकर्स व्हेन योर बॉडी हैव स्टॉप प्रोड्यूसिंग द हॉर्मोन्स विच अकर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड यू हैव गॉन विदाउट अ पीरियड 12 मंथ्स इन अ रो। यानी कि जब आपको 12 मंथ्स लगातार पीरियड्स नहीं आते, यानी कि एक साल तक, तो ये माना जाता है कि अभी आपका मेनोपॉज हो गया, यानी कि अभी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो चुका है। तो बेसिकली 3 स्टेजेस रहते हैं जिसमें हमारा पेरीमेनोपॉज आता है, जो उसके बाद आता है मेनोपॉज, उसके बाद आता है पोस्ट मेनोपॉज। तो इस बॉडी में क्या, इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेजेस में आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है, और ये चैलेंज हर किसी के लिए अलग अलग रहता है। अगर मैं कहूँ कि किसी के लिए ये चैलेंज, ये टाइम बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है, बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, बहुत ही पेनफुल रहता है, और कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए भी हो सकता है, और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि बहुत स्मूथली चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा, पहले क्या सब आपने कैसा अपना लाइफस्टाइल रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये स्टेज जाता है। तो किसी के लिए बहुत अच्छा रहता है, किसी के लिए स्ट्रगल रहता है, तो ये हर किसी का अपने अपने बॉडी के हेल्थ इश्यूज के हिसाब से ये स्टेज आपको फेस करना पड़ता है। तो आज हम छोटी सी डिस्कस करेंगे पेरीमेनोपॉज के बारे में, इसमें आपकी बॉडी में क्या सिम्टम आते हैं और आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर ये सिम्टम्स आपके आने वाले हैं, स्पेशली अगर आप अपनी 40s में हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि पहले ये चीज़ें स्टार्ट होती थी आफ्टर 45 स्टार्ट होता था, अगर आपको मेनोपोज या पेरीमेनोपोज के साइन आ रहे हैं, बट आज के टाइम में 35-40 यानी कि कुछ कम कंफर्म डेट नहीं है कि कभी भी आपको ये सिम्टम नज़र आने लग जाते हैं। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ आर सेनेटरी लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ चुका है, हमारा सोना उठना खाना पीना स्क्रीन टाइम, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं जिसकी वजह से आज के टाइम में जो मेनोपोज है पेरीमेनोपोज है काफ़ी जल्दी हो रहा है, जिसकी वजह से हॉर्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हॉर्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि वेट गेन हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन इश्यूज़ आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो एंड लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हील हेल्थ विद गुंजन, और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज पेरीमेनोपॉज और इसके क्या सिम्टम्स हैं और कैसे इसको डील कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया पेरीमेनोपॉज क्या होता है, जो मेनोपॉज से पहले आता है, मेनोपॉज में आपके पीरियड्स जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, और पेरीमेनोपॉज में आपको पता चल जाता है कि आप मेनोपॉज में जाने वाले हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, इसके कई हर किसी की बॉडी के अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं, हर किसी की बॉडी के अलग से रिस्पॉन्स करती है। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको सिम्टम बताने वाली हूँ सभी के साथ ऐसा सेम होता है, हो सकता है किसी को ऐसा कोई भी सिम्टम ना है, और हो सकता है इसके जो मैं आपको बताऊंगी इससे अलग भी है। तो ये एक आपको रफली आइडिया है कि ये सिम्टम किसी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले होता है डिप्रेशन, डिप्रेसिव मोड। जब आप प्री मेनोपॉज में होते हैं तो आपकी बॉडी में जो कि हमारे दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, जो कि हमारे सेक्स हॉर्मोन होते हैं फीमेल बॉडी में, इनकी ये दोनों इंबैलेंस हो जाते हैं। प्री मेनोपॉज से पहले आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है और प्रोजेस्टेरोन लो होता है, लेकिन आफ्टर इन पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में अपोजिट हो जाता है आपका, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। चेंजेस की वजह से जो आपको है मूड स्विंग्स होते हैं, आपको बॉडी आपको थका हुआ लगता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ रहे होते हैं, हॉर्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू हॉर्मोन्स, तो इनको मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड रीजन हो सकता है एंगर, गुस्सा होना, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापना, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपको लगता है कि आप अकेले, तो आप जब भी आपसे कोई जोर से या कुछ पूछता है तो आपको एकदम से गुस्सा भी आ जाता है, यानी कि कभी खुश हो जाता है कभी गुस्सा हो जाता है, तो अभी कभी कभी आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। और थर्ड सिम्टम हो सकता है वेट गेन, स्पेशली अराउंड योर बेली, आपको ये लगता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन मेरा बेली फैट, आपका जो टमी है वो काफ़ी बाहर आ जा रहा है, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल इम्बैलेंस, जो भी मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हॉर्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी शेप में या बेली फैट में काफ़ी फर्क आ सकता है, और आपको लगता है कि मेरा वेट गेन होता जा रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा
स्पेशली अराउंड थाई एंड बेली, तो आपको काफी यू नो वहां पर भी डिप्रेशन का फीलिंग आती है कि यार मेरी जो फिजिकल अपीयरेंस है, बॉडी शेप है, वो खराब होती जा रही है। और फोर्थ रीजन हो सकता है आपका हेयर फॉल। तो इन हार्मोन चेंजेस होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से स्पेशली आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग में काफी इश्यूज आ सकते हैं। हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके हेयर बहुत ज्यादा पतले दिखाई देने लगते हैं, कि आप चोटी करते हो तो बिल्कुल पतला सा बनता है, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। नंबर 5, स्लीप इश्यूज। आपको प्रॉपर गुड स्लीप नहीं आती है, आप सोने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको प्रॉपर एक जो हमारी गुड स्लीप होती है 6 से 7 घंटे की, आप नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पूरा दिन लथार्जिक फील होता है, मूड खराब रहता है या चिड़चिड़ापन सा रहता है। नंबर 6, स्किन इश्यूज, या स्किन पे आपको एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन का इशू आ सकता है, आपको स्किन लगता है कि बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ लो ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हाइलुरोनिक एसिड आपकी बॉडी में रिलीज करता है, जिससे बॉडी की हाइड्रेशन बढ़ती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस स्टेज में जो बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन है वो काफी लो हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, इवन आपकी जो वजाइना है वो भी ड्राई हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल हेल्थ पे भी आपका फर्क पड़ता है। एंड नंबर 7 इज आपकी नाइट स्वेट। किसी को बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेज आते हैं, आपको बहुत ज्यादा एकदम से गर्मी लगती है, कभी बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो कई बार आपको रात को बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी हो जाती है। तो इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ये सब सिम्टम हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है, हो सकता है किसी को इसमें से कोई भी सिम्टम ना आए, और हो सकता है ये सब सिम्टम किसी को लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और हो सकता है किसी को इसमें से कुछ सिम्टम्स नजर आए। तो फ्रेंड्स, इसमें डरने की बात नहीं है, ये भी हमारे लिए एक लाइफ में एक चैलेंज है जो हमें हंस के गुजरना है, क्योंकि हम यू नो फीमेल की अगर बात करें तो गॉड ने हमें बनाया है ऐसा है कि आपको सारा लाइफ टाइम ही आपको स्ट्रगल करना है, और हमें वो शक्ति भी दी है ना। तो अब हम बात करते हैं कि आप इन सिम्टम्स से, अब इसको तो आप नहीं रोक सकते, ये तो नेचुरल है, ये तो आना ही आना है। अगर आप 40 हैं, 45 प्लस हैं, तो एटलीस्ट अपने आपको मेंटली आप प्रिपेयर करके रखिए। प्रिपेयर करके रखिए, प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, अगर आप 40s में आ चुके हैं जस्ट लाइक मी, तो अपने आपको आप मेंटली रेडी कीजिए कि आपको नहीं पता कब ये स्टेजेस, ये सिम्टम आपकी बॉडी में शो होने लग जाए। तो इस सिम्टम्स के, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो फेस है स्मूथली निकल जाए, तो इसके लिए बेटर है आप पहले से ही कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस रखिए, अपनी एक्सरसाइज में करते रहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं ताकि जो आपका ये स्टेज है आसानी से निकल जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आप कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। तो कोशिश कीजिए जो भी आप अपना लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी रखिए, अपने खाने में होल ग्रेन, नट्स, फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स को ऐड जरूर रखिए, स्पेशली हेल्दी फैट्स को जरूर ऐड कीजिए, जैसे कि एवोकाडो है, नट्स है, कोकोनट है, कोकोनट वाटर है, ड्राई कोकोनट आप खा सकते हैं, उसमें हेल्दी आपको फैट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आप जैसे हमारा फ्लैक्सीड रहता है, इस तरह के, क्योंकि ये हेल्दी फैट्स आपके हॉर्मोन्स के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि अभी 40 प्लस है या आपको इस तरह के सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को, हेल्दी डाइट को, बैलेंस डाइट को, प्रोटीन फाइबर को अच्छे से ऐड कीजिए, जितना हो सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। तो नंबर 2 पे आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। हो सके तो आप 30 मिनट्स मॉर्निंग में, इवनिंग में एक्सरसाइज, इवन वॉक जरूर कीजिए अगर आपका लाइफ शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप कार्डियो कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, किसी भी तरह से आप अपनी बॉडी की मूवमेंट को करते रहिए ताकि जो आपके हॉर्मोन है वो बैलेंस रहे। एस्ट्रोजन कम होने की वजह से आपका जो मसल मास है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको बॉडी को अगर इस स्टेज से हेल्दी वे में गुजरना है तो एक्सरसाइज को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड नंबर 3, स्लीप हाइजीन, यानी कि आप कोशिश कीजिए कि आप टाइम से सोएं, एटलीस्ट 6-7-8 आवर्स की गुड स्लीप आप जरूर लें, क्योंकि जब आप सोते हैं ना तो आपकी बॉडी रिपेयर होती है, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का टाइम मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि आप कैफीन टी, कैफीन और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ज़्यादा यूज़ नहीं करें, इवन सोने से 1 घंटा पहले रात को लेट कॉफ़ी या टी वगैरह नहीं लें, ताकि आप अच्छी नींद ले सकें, क्योंकि आपकी नींद और आपके एक्सरसाइज, आपका स्ट्रेस, सब कुछ इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को। तो नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है। डेफिनेटली हार्मोन चेंजेस होने की वजह से, मूड स्विंग्स होने की वजह से कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेसिव हो जाते हैं, डिप्रेशन मोड में आ जाते हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहती फिर भी मैं चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है, मैं सबसे प्यार से बात करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी गलती नहीं होती है, कई बार अंदर हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से आप खुद को खुश नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आता है, आपको लोगों के साथ बैठना उठना बोलना पसंद नहीं रहता, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। तो बेटर रहेगा आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को बिजी रखिए अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी भी एक्टिविटीज़ में, घर के काम में, बच्चों के साथ, अगर जॉब में रहते हैं तो वहाँ पर अपने आपको बिजी रखिए। तो जितना आप बिजी रहेंगे अच्छे कामों में, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल आप थोड़ा सा उसको मेंटेन कर पाएंगे। नंबर 5, हाइड्रेशन। तो खुद पे हाइड्रेट जरूर रखिए, 2 से 3 लीटर
लीटर एटलीस्ट पानी जरूर पीजिए आप। इन्फ्यूज वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, चिया सीड्स वाटर ले सकते हैं, इसमें आपको फाइबर और प्रोटीन मिलता है। इसी तरह से आप सॉक्ट जो हमारा साबुत धनिया रहता है, मेथी दाना रहता है, इस तरह से इनको भी पानी में भिगो कर ले सकते हैं ताकि बॉडी को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि एस्ट्रोजन के लो होने की वजह से आपकी बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। एंड नंबर 6 सप्लीमेंट्स। डेफिनेटली अब आप सोचेंगे कि इसकी क्या जरूरत है। सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ रही है, मे बी वो आपका कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन डी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अगर इनकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आ रही है ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से, तो आप डेफिनेटली आप अपने सप्लीमेंट्स हैं वो उनको कंटिन्यू रखिए। सप्लीमेंट्स के लिए डेफिनेटली यू नीड टू टॉक टू योर डॉक्टर, जो भी आपसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। आप टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि आपको इन सबकी ज़रूरत है कि नहीं है, तो ये डिपेंड करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर चेकअप कराते रहिए। अगर आपको ये सब सिम्टम नजर आ रहे हैं, मंथली वीकली जितना भी आपको नीड रहता है, गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहिए, रेगुलर रिपोर्ट्स लेते रहिए। अगर आपको ये सिम्टम बहुत ज्यादा है, अगर नॉर्मल है तो आपको पता है ये कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा, मे बी महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, तो ये चीजें टाइम लेती हैं। तो अगर आपको नॉर्मल लगता है कि सिम्टम इतना नहीं है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली धीरे धीरे ये मैनेज हो जाता है। स्लीप को, स्ट्रेस लेवल को मैनेज आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बिजी रहिए, तो डेफिनेटली अभी सब मैनेज हो जाता है। लेकिन आपको लगता है कि सिम्टम जितने होने चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। आपकी जितने भी अगर कोई टेस्ट है या कोई मेडिसिन है, सप्लीमेंट्स आपको देने हैं, वो टाइम टू टाइम देते रहें ताकि जो आपका फेस है आसानी से गुजर सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप काफी हेल्प मिली होगी आपको इस वीडियो से, किस तरह से अगर आप 40s में हैं, 35 प्लस हैं या फिर 45 प्लस हैं, तो किस तरह से आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं कि आने वाला टाइम कैसा हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, देखो डर के भी गुजरना है, हंस के भी गुजरना है, तो डेफिनेटली हम सबके लाइफ पे ये फेस आने वाला है, तो बेटर है हम खुद को मेंटली प्रिपेयर रखें कि अभी से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अनहेल्दी खा रही हूं, तो डेफिनेटली आप उसको हेल्दी लाइफस्टाइल पे चेंज कीजिए, क्योंकि जितना आप अभी हेल्दी रहेंगे, बाद में आपके लिए फेस बहुत ही ज्यादा ईजी रहेगा, स्मूथली रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और डेफिनेटली अगर पहले से ही आप अनहेल्दी हैं, आपकी बॉडी अच्छे से आपके जो हार्मोनल है वो पहले से इम्बैलेंस है, तो आप सोच सकते हैं बाद में क्या हाल हो सकता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, इट इज जस्ट अ सजेशन एज अ फ्रेंड। तो कोशिश कीजिए अगर आप इस स्टेज में हैं जहां पर आपको ये पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज या स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज भी आएगा। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।